हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए कॉमर्स पेपर टू, जिसका कोड 08 है, उसका कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज करवाया जाएगा। यूनिट वन से लेकर 10 तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमेशा यूजीसी टच करता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे कवरअप करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी आपका रिटर्न मटेरियल है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बेसिस पे क्लासेस करवाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल प्लस टेलीग्राम चैनल दोनों पे अवेलेबल हैं। सो करते हैं आज का सेशन बिगिन, जिसमें हमारी तीन मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल। देखो, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती है ना, ये वो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिनको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने की, जो आपके पास रेंडम वेरिएबल या आपका सेट ऑफ डाटा है, जो उसके डिफरेंट आउटकम्स निकलेंगे ना, उनका क्या लाइकलीहुड है। ठीक है, मतलब मान के चलो सिंपल, आपके पास रेंडम वेरिएबल्स हैं या आपके पास डाटा का सेट है, अब आप उन पे जो उनकी जो लाइकली आउटकम्स होंगी वो अब सारी डिफरेंट होंगी ना। जो मैथमेटिकल फंक्शंस उनको डिस्क्राइब करते हैं, उन आउटकम्स को, उनको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से जानते हैं। तीन ही मेजर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। अब हर एक डिस्ट्रीब्यूशन की अपने फीचर्स हैं, अपनी करेक्टरिस्टिक्स, अपनी एप्लीकेशन। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्क्राइब करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। बहुत सिंपल चीज़ है, यानी कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो आपके पास टोटल एन इंडिपेंडेंट, मतलब आपके पास इंडिपेंडेंट बर्नौली, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो लाइक समझन, ध्यान से समझो, आपके पास फिक्स नंबर है इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स का। ठीक है, आपने यानी इतने बार एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, फिक्स नंबर है, उसमें से आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है, यानी वो कितनी है, उसको ऑब्टेन करना ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को का काम है। यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज़ को ही डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब जो ये आपके इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हैं ना, ये हम वो ये यानी बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो सक्सेस होगा या फेलियर। मतलब इन शॉर्ट, आप सीधा मान के चलो आपके पास इतने जो भी आपके ट्रायल्स हैं ना, जब वो ट्रायल करोगे उसमें दो ही चीज़ें होंगी, या तो सक्सेस या फेलियर, और आपने सक्सेस फाइंड आउट करना कितनी बारी आ रहा है। तो ये चीज़ आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करेगी। दो पैरामीटर्स होते हैं इसके, एक तो नंबर ऑफ ट्रायल्स है जिसकी डिनोशन एन है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसे हम पी के नाम से जानते हैं, यानी डिनोट पी के नाम से करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी के बराबर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1-p यानी क्यू के बराबर होती है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। देखो, जो पी एक्स इज इक्वल टू के, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रोबेबिलिटी आपको एग्जैक्टली के सक्सेसेस आएंगे एन ट्रायल्स में। जो सी एन के है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ये बेसिकली नंबर ऑफ वेज है जिसमें आप चूज करोगे के सक्सेसेस फ्रॉम एन ट्रायल्स। यानी आपने एन ट्रायल्स किए, उसमें के सक्सेसेस है, उसको जितना नंबर है उनका चूज करने का, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब जो पी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है हर ट्रायल में, और जो 1-p है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है हर ट्रायल में। 1-p को आप क्यू भी लिख सकते हो। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसे कॉमनली उन सिचुएशंस में यूज किया जाता है जहां पे आपको बाइनरी आउटकम्स आती हैं। अब बाइनरी आउटकम कैसे होते हैं, जैसे आपने कॉइन फ्लिप किया, या आपको सक्सेस या फेलियर चाहिए एक्सपेरिमेंट का, या आप सर्वे कर रहे हो जिसमें आपका रिस्पॉन्स जस्ट यस या नो में ही होगा। अब कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ आती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, उनको करते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में बहुत बार पूछी गई है। सबसे पहले तो आती है ये सिमिट्रिकल या स्क्यूड होता है। अब ये प्रॉपर्टी सिंपल ये कहती है कि जो आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होगी वो वेरी करेगी, और वो सिमिट्रिकल भी हो सकती है, स्क्यूड भी हो सकती है। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि आपके वैल्यू क्या आई पैरामीटर्स की, मतलब एन क्या आया, पी क्या आया, क्यू क्या आया। सेकेंड मेन प्रॉपर्टी है एन एंड पी यू दो पैरामीटर्स हैं। देखो, जो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट है, जो एन है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बार आपने ट्रायल्स किए, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन रही, कितनी बार ही हुई हैं, और जो पी है वो रिप्रेजेंट करता है हर एक ट्रायल में सक्सेस क्या रहा है इसका। ठीक है, अब जो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको कोई स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स नहीं बताता, यानी जो बेसिकली ये मैंने अभी आपको दो करेक्टरिस्टिक्स बताई है, सबसे वैसे इसकी करेक्टरिस्टिक्स बहुत होती हैं, बट जो ये पहली दो हैं ये पेपर में अनगिनत बार पूछी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है ये आपको द मॉडल द प्रोबेबिलिटी
The Poisson distribution models the probability of a given number of events occurring within a fixed interval of time or space when the events happen independently at a constant average rate. देखो बड़ा सिंपल है, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेलियर की बताता है इन एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी जिसे हम बर्नौली टेस्ट भी कह देते हैं. बट जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम में या स्पेस में एक इवेंट कितनी बार अकर कर सकता है अगर जो आपके इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली कॉन्स्टेंट एवरेज रेट पे हो रहे हैं. यानी समझ रहे हो, मतलब आप एक टाइम पीरियड उठा लो, उस टाइम पीरियड में एक चीज़ ऑन एन एवरेज कितने टाइम हो सकती है ये हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है. ठीक है, सो जो इसे बेसिकली बहुत रेयर इवेंट्स होते हैं ना वहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपका एवरेज रेट ऑफ अकरेंस आपको पता है बट वो बहुत रेयर चांसेस में होती है. अब जो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी जिसे आप फॉर्मूला भी कह सकते हो, वो आपको गिवन है स्क्रीन में, यानी पी एक्स इज इक्वल टू के रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी जब आप के इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो. जो लैम्डा है वो आपका एवरेज रेट ऑफ इवेंट्स है, यानी एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ऑन एन एवरेज कितने इवेंट्स अकर कर रहे हैं. ठीक है, मतलब एक इवेंट ऑन एन एवरेज कितने टाइम अकर कर रहा है. जो ई है वो बेस है नेचुरल लॉगरिथम का, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.71828 होती है. जो के है वो फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसे भी अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई किया जाता है. इंश्योरेंस क्लेम, यानी जब बोलते देखो अब कंपनी से इंश्योरेंस करती हैं, ठीक है, लाइक मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होगी या हर तरीके से भी टाइप की इंश्योरेंस होगी, अब वहाँ पे क्लेम्स बहुत कम अराइज होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का ही क्लेम अराइज होगा, रेयर चांस होता है. सो ये वहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाता है. क्यूइंग थ्योरी में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाता है, यानी आपने लाइंस क्यूज कैसे बनाने हैं. इवन जो आपके एक्सीडेंट्स और डिफेक्ट्स होते हैं बींग का रेयर आइटम्स, इनको एनालाइज करने के लिए भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं. अब कुछ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसे प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं जो पेपर में अनगिनत बार पूछे गए हैं. देखो सबसे पहले तो अगर आपको कोई पूछ ले सुपरमार्केट में एक घंटे में कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं, तो ये भी आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बताएगी. अगर आप एक घंटे में पेजेस टाइप कर रहे हो तो उन पर्टिकुलर जो मटेरियल आपने टाइप किया उसमें कितने एरर्स हो सकते हैं, आपके एक दिन पे एक बिजी रोड पे ऑन एन एवरेज कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, या आपके अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या पैकिंग कर रहे हो तो उसमें ऑन एन एवरेज कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स निकल सकते हैं. ये सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं जहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई किया जाता है. ये चीज़ें ये क्लियरली बताते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रेयर इवेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बड़ी स्मॉल होती है बट इनके जो ट्रायल्स होते हैं वो बहुत नंबर में होंगे, यानी वो लार्ज होंगे. ये चीज़ याद रखना, यानी अगर आपको वो क्वेश्चन में पूछ लेना ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स लार्ज है बट प्रोबेबिलिटी अक्रेंस की वो स्मॉल है, तो उसका परफेक्टली आंसर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा. नेक्स्ट आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका दूसरा नाम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. इसका दूसरा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत बच्चे यही मिस कर जाते हैं अगर वो पेपर में गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम डाल दे. ये कहते हैं कि पता नहीं यूजीसी ने डाल क्या दिया. देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही दूसरा नाम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है. इसे इस जो कि ये जो आपकी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कह लो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, ये बेसिकली कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो सिमेट्रिक और बेल शेप्ड होती है. अब यानी जो आप जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप होगी ना, जो जब उसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाएगा तो ये सिमेट्रिकल और बेल शेप्ड होगी. इसे स्टैटिकल इन्फेरेंसेस या मॉडलिंग में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है वो बहुत अट्रैक्टिव है और ये नेचुरल फिनोमिना में प्रिवेल करती है. फॉर्मूला आपके स्क्रीन के सामने आपके प्रेजेंट है. इसमें जो एफएक्स है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो आपकी वैल्यू एक्स की है उसकी जो न्यू है वो मीन है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है. सो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो मतलब जो मेजर चीज़ उसको डिस्क्राइब करती है जो प्रॉपर्टीज है वो है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 68% ऑफ जो डाटा है ना वो एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो मीन की होती है उसके अंदर आता है. जो 95% डाटा है वो दो स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर आएगा और जो 99.7% है वो थ्री स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर आएगा. ये आपको चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी. अब जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में यूज़ किया जाता है. अगर आप इन्फेरेंशियल स्टैट कर रहे हो तब, अगर आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है तब इसको यूज़ किया जाता है. क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हो तब यूज़ कर सकते हो, या अपना फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी तब भी इसे यूज़ किया जाता है. तीन मेजर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल पॉइजन नॉर्मल, नॉर्मल को गॉसियन भी कहा जाता है. सो ये बहुत फंडामेंटल है, हर फील्ड में इनका यूज़ होता है. स्टैट के तो खास करके बहुत अलग अलग एरियाज में इसको यूज़ किया जाता है. प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यूज़ किया जाता है, डाटा एनालिसिस में यूज़ किया. सो इनकी प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है.
तभी आप इनका मतलब समझ पाओगे, इनको किस तरीके से अप्लाई करना है वो चीज़ समझ पाओगे, तभी आप डाटा का एनालिसिस इनके थ्रू कर पाओगे। इवन ना एक पेपर में बहुत बार चीज़ पूछी गई है, देखो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना उसका जो बीटा है ना वो जीरो के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बीटा जीरो के बराबर होता है। सो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब इसमें एक ही मॉड होगा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसमें जो आपकी सेंट्रल वैल्यूज हैं जिसे आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी जानते हो, मीन मीडियन मॉड, वो इक्वल होते हैं, ठीक है, तभी तो ये सिमेट्रिकल और बेल शेप बनता है। कुछ और मेजर करेक्टरिस्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो पेपर में पूछी गई है उनको स्टडी करते हैं। देखो जो मीन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मीन है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर को, और जो सेंटर है वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है यानी कोई भी एनी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है वो 0.50 के बराबर हो सकता है, यानी ये ट्रू है जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन जीरो होगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 होगी। बट ये नॉन, अगर ये तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, बट अगर आपके पास नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें प्रॉबेबिलिटीज वेरी कर सकती है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यानी उसकी प्रॉबेबिलिटी 0.50 होगी अगर आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड है, बट अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो प्रोबेबिलिटीज वेरी कर सकती है। हर एक वैल्यू यानी जो आपका दो पेयर है, एक न्यू है, मतलब एक मीन है आपका, ए आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन, हर एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज, ये जितनी आपके पेयर में वैल्यूज आएंगी जो कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वो बेल शेप्ड और सिमेट्रिक होगा। अब ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जो बेल शेप्ड होता है ना कर्व वो सिमेट्रिक होता है अराउंड द मीन, ठीक है, सो उसको इवन उसको स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइन करती है। तीसरे आगे आते हैं यूनिमॉडल बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल, ये करेक्टरिस्टिक भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो उन्होंने आपको पता है ये कैसे पूछा था, अगर आप देखोगे मैं जो मैंने ये बनाया है उन्होंने आपको ना ऑप्शंस दी थी 10-12, वो कह रहे थे इनमें से चूज करते हो बताओ विच आर द करेक्टरिस्टिक्स फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले तो यही थी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.50 के बराबर होती है, तीसरा जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज है यानी जो कर्व है डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप्ड और सिमेट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट थी यूनिमॉडल बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल, यानी जो इसका आपका ये आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बी का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ये यूनिमॉडल होती है, यानी इसमें एक ही मॉड होता है। सो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिंगल पीक पे जाती है, यूनिमॉडल है, बेल शेप्ड होगी, सिमेट्रिकल अराउंड मीन होगी, सिम्टोमेटिक टू एक्सेसेस, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी, ये भी एक प्रॉपर्टी है, यानी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेल है ना वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड करती है दोनों ही डायरेक्शन में। सिमेट्रिकल मतलब मीन के बीच, मतलब वो तो सेंटर में ऊपर बेल शेप्ड है, बाकी उसकी जो एक्सटेंशन है वो बहुत लंबे तक जाती है, सो वो डायरेक्शन में, सो ये असिम्टोमेटिकली एक्स एक्सिस को अप्रोच करती है। अब जो लास्ट थी जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों पैरामीटर्स इसके हैं, अब ये भी बिल्कुल करेक्ट था, जो म्यू है वो रिप्रेजेंट करता है मीन को, और डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्टैंडर्ड डेविएशन का डिनोशन है वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। सो इवन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मेन करेक्टरिस्टिक है, जो मीन है वो मीडियन के बराबर होता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वो ना या तो कम होगी या बराबर होगी 0.50 के, ठीक है। आगे आती है आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इसकी एक ही लाइन कर लो, वैसे डिटेल में नहीं आता, पहले इतना समझ लो, टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव अराइवल ऑफ कस्टमर्स इन अ क्यू। अगर आप एक क्यू बना रहे हो, ठीक है, आपकी शॉप है उसमें आपकी एक लाइन बन रही है, उसके जो टाइम इंटरवल है कि हर एक न्यू बंदा आपके क्यू में आके खड़ेगा, उसको हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट आती है परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली पता है कहाँ पर यूज़ होती है, जब हमने इनकम प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी ह्यूमन की एबिलिटीज़ है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, तब हम परेटो डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। पहले इसका मतलब समझते हैं, देखो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ऑफनली यूज़ किया जाता है जब हम इनकम और प्रॉपर्टी की कैपिटलिस्ट इकॉनमी में ओनरशिप को डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसे इटालियन इकॉनमिस्ट विल्फ्रेडो पारेटो था, उसके नाम के पीछे गया है, उसने ही इस पर काम किया था। उसने क्या किया था, उसने ना स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी किया था जिनके पास पूरी सोसाइटी की लार्जर वेल्थ थी, मतलब देखो सोसाइटी में एक स्मॉल पॉपुलेशन उठा ली, उसको ऑब्जर्व किया, अब उस पॉपुलेशन के पास सोसाइटी की लार्जर अमाउंट ऑफ वेल्थ थी। सो पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल इतना कहती है कि ये बेसिकली इनकम और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक पावर लॉ रिलेशनशिप को फॉलो करती है, जहां पे जो स्मॉल पॉपुलेशन, जो स्मॉल प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन की, उसके पास मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ और इनकम होती है सोसाइटी की, और जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की उसके पास स्मॉलर शेयर होता है। सो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली ये लॉन्ग टेल में होती है, यानी इसमें एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, क्योंकि छोटे से पॉपुलेशन की छोटा हिस्सा
उसके पास लार्जर शेयर है और पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा उसके पास स्मॉलर शेयर। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है खास करके वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, जिनके चीज़ें जिनके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनका उनके पीछे जो लक्ष्य और मुद्दा एक ही है कि पैसा कमाना, प्रॉफिट मोटिव। सो जो वेल्थ एक्युमुलेशन और इनकम डिस्पैरिटीज हैं वो बढ़ती ही जाएंगी, ठीक है। सो जो पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैप्चर करती है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और इनकम, यानी ये सिंपल सिंपल इनइक्वालिटी को दर्शाती है कि कुछ सोसाइटी का छोटा हिस्सा जो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करे उसके पास लार्जर शेयर है वेल्थ का, और दूसरे पास जो मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा सोसाइटी का पॉपुलेशन का उसके पास स्मॉलर शेयर ऑफ है वेल्थ का, ठीक है। आगे आती है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ आप समझ लो कि यूज़ कहाँ पे होता है। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आपकी स्टॉक प्राइसेस में मूवमेंट्स हो रही है ना, यानी और यहाँ आपकी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन आपने सोशलिस्ट सोसाइटी में स्टडी करनी है, तब आप लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हो। सो ये थी हमारी तीन मेजर हमारी चार पाँच मेजर डिस्ट्रीब्यूशन, इनको अब कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव कौन करते हैं वो आता है रिसर्च, उसका कॉन्सेप्ट क्या, उसकी टाइप्स क्या और रिसर्च के डिजाइन क्या। देखो वैसे ये चीज़ हमने पेपर वन में ऑलरेडी रिसर्च का यूनिट नंबर टू रिसर्च एप्टीट्यूड की उसमें डिटेल में किया, बट अगेन इसमें अगर टॉपिक आ रहा है तो हम इसमें भी डिटेल में ही करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो जो बेसिकली आपका रिसर्च है ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसका मुद्दा क्या है। देखो आप अगर सिस्टमेटिकली चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसके पीछे आपका बहुत सिंपल मुद्दा है, आपने न्यू नॉलेज को जनरेट करना। न्यू नॉलेज इसी कारण जनरेट की जाती है क्योंकि आपके नॉलेज गैप्स होते हैं। अब रिसर्च जब करोगे ना, जब आप अपने अच्छे से अपने आप को एनालाइज करोगे आपको नॉलेज गैप्स पता चल जाएंगे, उन नॉलेज गैप्स को पूरा करने के लिए न्यू नॉलेज को जनरेट करने के लिए रिसर्च को किया जाता है बींग अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। आप यानी आप कई बार अगर आपने अपनी एक्सिस्टिंग नॉलेज को इवन एक्सपेंड करना चाहते, देखो चाहे आपने न्यू नॉलेज जनरेट करनी है या एक्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सपेंड करना है, कहीं ना कहीं चीज़ों का मतलब सेम है। इवन आपको कई प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो राइज हो गए आपको अगर उनका स्पेसिफिकली सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए भी रिसर्च किया जाता है। सो बेसिकली बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें हम पहले इंक्वायरी करते हैं हमें करना क्या है। जब आपका ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन आपके प्रॉब्लम की क्लियर हो जाएगी फिर आप डाटा को कलेक्ट करोगे, फिर उस डाटा जो आपने कलेक्शन अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके की होगी, ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करके एनालिसिस करेंगे और एट द एंडिंग हमारी जो फाइंडिंग्स आएंगी उनको इंटरप्रेट कर देंगे, फिर उन फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर दिया जाता है। सो जो रिसर्च है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जिसमें मतलब हर एक डिसिप्लिन में जौन सा मर्जी सब्जेक्ट उठा लो, जौन सा मर्जी डिसिप्लिन उठा लो, हर जगह पे रिसर्च तो होगा ही होगा। अगर आपने सोसाइटल इश्यूज को एड्रेस करना है तब भी रिसर्च होगा। सो इन शॉर्ट ये ना, अगर आपने आपको एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए तो रिसर्च सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब आ गया आता है कॉन्सेप्ट क्या रिसर्च का। देखो रिसर्च में कुछ की एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, यानी जब भी रिसर्च होगा यानी रिसर्च को कंडक्ट यूजिंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच को यूज़ करके किया जाएगा। सिस्टमेटिक अप्रोच वैसे मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, अगर मैं आपको सिंपल मुद्दे में बताऊं तो यानी आपका एक क्लियरली डिफाइंड प्लान होगा, आपका एक मेथड होगा, यानी आपने उस प्लान और मेथड के अकॉर्डिंग ही चलना है और फिर अपने रिसर्च के प्रोसेस को कंडक्ट करना है। सेकेंड आता है नॉलेज जनरेशन। रिसर्च का मुद्दा ही ये है, आपने अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज को उसमें आपने कंट्रीब्यूट करना है, यानी नई नॉलेज लेके आनी है, यानी और इवन अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सपेंड करना है, तभी आपको न्यू इनसाइट्स पता चलेंगे, आप थ्योरीज बना पाओगे और एम्पेरिकल एविडेंसेस चीज़ों के आपको मिल जाएंगे। तीसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिसर्च को कंडक्ट ही कई बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, या जो आपके गैप्स हो नहीं है आपकी समझ में, जो आपके अंडरस्टैंडिंग में, जो आपकी नॉलेज में गैप्स हैं उनको पूरा करने के लिए। चौथा आता है रिगोरस मेथडोलॉजी। देखो रिसर्च रिगोरस और वेल एस्टैब्लिश मेथड्स को अप्लाई करता है। हर चीज़ का रिसर्च में मेथड है, बेसिकली 5 से 7 स्टेप्स का प्रोसेस होता है, हर स्टेप में मेथड्स आएंगे, यानी हर एक चीज़ के पर्टिकुलरली आपको डिफाइंड मेथड्स हैं, आपको उन मेथड्स को फॉलो करके उन स्टेप्स को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें क्यों जरूरी है, आप क्यों डिफाइंड मेथड्स यूज़ कर रहे हो। देखो इससे एक तो आपके रिसर्च की फाइंडिंग्स की वैलिडिटी बनी रहती है, वो वैलिड रहती है थ्रू आउट देयर एंटायर लाइफ, रिलायबल है, हर बंदा उस पर डिपेंड कर सकता है। इवन आप अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करके पूरी सोसाइटी पे, पूरे होल नेशन पे लगा सकते हो। अब आते हैं रिसर्च में, उन्होंने पेपर में क्वेश्चन डाला था रिसर्च के प्रोसेस के, उन्होंने स्टेप्स आपको जंबल्ड वे में दे दिए थे, वो कहते थे इसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके बताओ। सो सबसे पहले तो आपको रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो क्लियरली डिफाइन करो रिसर्च प्रॉब्लम और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च करने के पीछे, जो चीज़ों को आप एड्रेस करना चाहते हो, आपकी जरूरतें क्या, नीड्स क्या, रिक्वायरमेंट्स क्या, उनको एड्रेस करो।
दूसरा हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करो। देखो आपको हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट या सेट करना पड़ेगा तभी आप एक टेंटेटिव यानी टेम्पररी तौर पे कोई चीज़ की एक्सप्लेनेशन या प्रिडिक्शन कर पाओगे। जो रिसर्च प्रॉब्लम जिसके मतलब रिसर्च प्रॉब्लम को बेस बना के जब आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे, एक बार आप उस बेस पे बेसिस पे जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम का बेस है ना उसके बेसिस पे आप एक बार टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दे दोगे, फिर आप वेरीफाई करोगे कि वो करेक्ट बैठती है या नहीं करती है। ये होता है थ्रू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आगे आता है रिसर्च डिजाइन की प्रेपरेशन। अब आप पूरे अच्छे से प्लान करोगे, रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करोगे जिसमें आपने कौन कौन से रिसर्च मेथड यूज करने हैं वो क्या होंगे, आपकी डाटा कलेक्शन टेक्निक्स क्या होगी, आपने सैंपल जो बनाना है उसको कलेक्ट करने की स्ट्रेटजीज क्या होगी, ये सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। अब आपने डिफरेंट मेथड्स यूज करके डाटा को कलेक्ट कर दिया, अब टाइम आता है उनको एनालाइज करने का। ठीक है, जो आपने रेलेवेंट डाटा कलेक्ट किया रिसर्च डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज किया जाएगा अलग अलग स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड को यूज करके, ताकि जो आपको डाटा में से इन्फॉर्मेशन मिल सके यानी आपको मीनिंगफुल इनसाइट्स पता चल सके कि ये डाटा आपको प्रोवाइड कर क्या रहा है। लास्ट आता है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। आखिर में क्या किया जाता है, जब आपके पास फाइंडिंग्स आ जाती हैं आप उनको इंटरप्रेट करते हो, यानी ये फाइंडिंग्स सब डाटा एनालिसिस के बाद आएंगी, फिर आप कंक्लूजन्स बनाओगे, रिकमेंडेशंस दोगे, जो आपकी रिसर्च में आउटकम्स निकले हैं उनको पूरी हर बंदे को कम्युनिकेट कर दोगे, फिर वो फाइंडिंग्स को जनरलाइज करके पूरी थ्योरीज डेवलप की जाती है। ठीक है, आगे अगेन पेपर में आया था। अब उन्होंने नेक्स्ट एक क्वेश्चन डाला, तो उन्होंने सेकंड स्टेप जो आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस उसको उठा दिया। यानी वो कहते थे आप एक हाइपोथेसिस का स्टेप रिसर्च में आता है, ठीक है, जिसको फॉलो किया जाता है, उसमें अंदर स्टेप्स आते हैं, उनको जंबल्ड वे में दे दिया। तो उन्होंने कहा था वो आपको सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। देखो जब आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है जो उसके प्रोसेस में स्टेप्स आते हैं, उसमें सबसे पहले तो आपको नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करना पड़ेगा, फिर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना पड़ेगा कि आप कितने सिग्निफिकेंस पर यानी आपका कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या है। उसके बाद आप टेस्ट स्टार्ट करोगे, टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, फिर आप डिसीजन रूल को एस्टैब्लिश करोगे, फिर आप कंप्यूटेशन अपनी मैथमेटिकल फॉर्मूले से लगा के कंक्लूजन निकालोगे और लास्ट में अपनी कंक्लूजन ड्रॉ कर दी जाएंगी। सो ये मेजर स्टेप्स आते हैं जब आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। अब आगे ना एक क्वेश्चन साइंटिफिक रिसर्च का है। अब ये क्वेश्चन चाहे आप यहाँ पे समझ लो, इसको चाहे आप अपनी लास्ट यूनिट जो हमारी कॉमर्स के पेपर 2 की लास्ट जो लेट आएगी जिसमें हम अपना इनकम टैक्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस करेंगे उसमें इसको समझ लो। बेसिकली देखो कई बार जो हम डोनेशंस देते हैं या जो पैसा हम खर्चते हैं या एक्सपेंडिचर्स करते हैं टुवर्ड्स अ साइंटिफिक रिसर्च उसकी आपको डोनेशंस मिलती है, उसके रिगार्डिंग ये सेक्शन था। इसमें मैं आपको बेसिक्स ओवरव्यू देते थे, जब हम लीगल एस्पेक्ट्स करेंगे बिजनेस में यानी 10th यूनिट करेंगे इनकम टैक्स की उसमें हम इसको पूरी डिटेल में कर लेंगे। देखो जो आपका सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA है, ये ऐसी प्रोविजन है जिसमें अगर आपने कोई पेमेंट दी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये उसमें चल जाती है। अब जो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2A है, ये जब आप पेमेंट देते हो साइंटिफिक रिसर्च पर्पज के लिए किसी कंपनी को, ये उसका। तीसरा आता है सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3, ये जब आप पेमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट को देते हो रिसर्च करने के लिए सोशल साइंसेज पे, ठीक है। और लास्ट आता है सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, ये वो है जब आप पेमेंट देते हो सर्टेन इंस्टीट्यूशन को साइंटिफिक रिसर्च के। देखो बहुत माइनर फर्क है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। वैसे मैं आपको बहुत तरीका भी बताऊंगा मैं इनको याद कैसे रखना है, ये हम वो लीगल एस्पेक्ट्स वाली यूनिट में डिटेल में करेंगे। अब आके आता है उन्होंने एक और क्वेश्चन आया था, यानी उन्होंने कहा था जो आपका साइंटिफिक रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हो उसका प्रोसेस है उसको अरेंज करके बताओ। देखो सबसे पहले तो आपको फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यानी जो रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट ही ऑब्जर्वेशन से होता है, यानी जितने आपके रेलेवेंट फैक्ट्स हैं फिनोमिनास हैं जो रिसर्च टॉपिक के साथ मैच खाते हैं उनको आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है जितने मीडियम्स हो सके उनके थ्रू, जैसे एक्सपेरिमेंट सर्वेस या एग्जिस्टिंग लिटरेचर को भी स्टडी किया जाता है। उसके बाद आप करते हो इंडक्शन, जब आपके ऑब्जर्वेशंस होगी उनको बेस मान के आप रिसर्चर्स क्या करते हैं एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ताकि उनको डाटा में पैटर्न्स या ट्रेंड्स पता चल सके। अब जो ये प्रोसेस है इंडक्शन में, इसमें ना ये आप जनरल प्रिंसिपल्स को डिराइव करते हो या थीरीज को डिराइव करते हो फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, यानी जो आपने ऑब्जर्वेशन की हैं जो आपने ऑब्जर्वेशन समझी है उनके बेसिस पे आप जनरल प्रिंसिपल्स को डिराइव करना, डैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। सेकेंड आता है डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन। थर्ड पॉइंट, देखो जब आपने इंडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया फिर आप रिसर्चर्स क्या करोगे, एक्सप्लेनेशंस डेवलप करोगे, हाइपोथेसिस डेवलप करोगे, ताकि जो आपने फिनोमिना जो फर्स्ट स्टेप में ऑब्जर्व किया था उसके एक्सप्लेनेशंस आप प्रोवाइड कर पाओ। जो अब ये एक्सप्लेनेशंस आप प्रोवाइड करोगे इनका जो फॉर्मुलेशन है उसके लिए जो आपके बेसिस है वो आपका जो एविडेंस आपने कलेक्ट किया ना वो ही एज अ बेसिस सर्व करेंगे जो जिस पे आप फर्दर टेस्टिंग एम्पिरिकल टेस्टिंग कंडक्ट करोगे। नेक्स्ट आता है मेकिंग प्रेडिक्शंस। जब आपने एक्सप्लेनेशंस और हाइपोथेसिस अच्छे से डेवलप कर लिया रिलेटेड
ऑब्जर्व फिनोमिना. अब जो रिसर्चर्स हैं यानी आप लोगों, यानी आप क्या करोगे, प्रेडिक्शंस बनाओगे फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस के रिगार्डिंग, या फ्यूचर में जो आपके आउटकम्स निकल सकते हैं अब वो क्या होंगे, वो इन एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड होंगे. ठीक है. सो जो प्रेडिक्शंस है ये कहीं ना कहीं आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपने जो आपका कलेक्टेड डाटा है आप उस पर और टेस्टिंग कर सकते हो और वेरिफिकेशन कर सकते हो. लास्ट में आपको प्रेडिक्शंस को करना पड़ेगा टेस्ट. अब जो प्रेडिक्शंस आपने पिछले स्टेप में बनाई है आप उनको टेस्ट करते हो थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं उनको टेस्ट करने के लिए. डाटा एनालिसिस टेक्निक चेंज करके अप्लाई की जाती है. इवन अलग अलग रिसर्च मेथड्स, बहुत मेथड्स है, डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, एक्सटर्न रिसर्च होता है, बहुत अनगिनत मेथड है. मैंने आपको सारे डिटेल में करवाए हुए. अगर आप इसको और डिटेल में एक बार दोबारा करना चाहते हो तो आप मेरी यूनिट 2 की वीडियोस देख सकते हो जो रिसर्च एप्टीट्यूड में, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बनी है. तो सो इस स्टेप में बेसिकली एडिशनल डाटा को या एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, तभी आप अपने प्रेडिक्शंस और हाइपोथेसिस को वैलिडिटी को इवैल्यूएट कर पाओगे कि भाई वो प्रेडिक्शंस या जो हाइपोथेसिस हमने डेवलप किए थे वो वैलिड हैं या नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे आते हैं, अगर देखो अगर आपको कोई भी डाउट अराइज हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, चाहे टेलीग्राम पे मैसेज करो चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज करो. आपका डाउट क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे आता है वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखो ये बेसिकली एन इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डन इज वन दैट लैक्स अ कंट्रोल ग्रुप फॉर कंपैरिजन. पहले इस लाइन को समझो. देखो एक एस इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन वो होता है जिसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता कंपैरिजन के लिए. ठीक है, यानी जो अब आपका वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन है ये वो डिजाइन है जिसमें आपको जो आपको जब अपने आउटकम्स को मेजर करना है बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन बट डस नॉट इंक्लूड अ सेपरेट कंट्रोल ग्रुप. यानी दिस डिजाइन इन वर्क. देखो जब आपके पास वन ग्रुप बिफोर और आफ्टर डिजाइन होगा, इस डिजाइन में नो डाउट आप आउटकम्स को मेजर कर सकते हो बिफोर भी और आफ्टर भी. जब आप बट आपके पास इसमें इंटरवेंशन के यानी अब बिफोर किसके, इंटरवेंशन के पहले भी इंटरवेंशन के बाद भी आप आउटकम्स को मेजर कर सकते हो बट इसमें कोई सेपरेट कंट्रोल ग्रुप नहीं होता. सो इन शॉर्ट ये एक इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है. ठीक है, अगेन आगे क्वेश्चन फिर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का था, ये आप देख लेना स्टडी कर लेना, ये मैं आपको करवा चुका. आगे आता है अफेक्ट साइज क्या होता है. देखो स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट में अफेक्ट साइज का मतलब ये है कि ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है. आपका जो एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी जब आप उसको मेजर करते हो उसके लिए जो ये बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजर है उसको अफेक्ट साइज कहा जाता है. एक बार फिर बता देता हूँ, आपका एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट है ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका जो लेवल है जब आप उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में क्वांटिफाई करते हो अब वो चीज़ को अफेक्ट साइज कहा जाता है. यानी ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो आपका रिलेशनशिप की मैग्नीट्यूड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है क्या, यानी जो डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया. सिंपल वे में समझो, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप और डिफरेंस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हो चाहे उसमें डिफरेंस आ रहा है, चाहे जो रिलेशनशिप आप वेरिएबल्स के बीच में स्टडी कर रहे हो उस रिलेशनशिप में अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं या उसमें उसकी क्या डायरेक्शन है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या मैग्नीट्यूड है, जब आप इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट, उसे इफेक्ट साइज के नाम से जाना जाता है. सो जो इफेक्ट साइज है कहने के रिसर्चर्स को अलाउ करता है कि वो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस फाइंडिंग्स का बियॉन्ड दिस स्टैटिकल सिग्निफिकेंस उसको असेस कर सकते हैं. ठीक है, यानी रियल लाइफ में वो चीज़ें प्रैक्टिकली कितनी अप्लाई हो रही हैं उनको स्टडी किया जा सकता है. ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है जिसको यूज किया जाता है रिजल्ट्स कंपेयर करने के लिए. जो अलग अलग स्टडीज या एक्सपेरिमेंट्स में आए हैं आप उनको कंपेयर कर सकते हैं थ्रू यूजिंग दिस स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट. अब ठीक है, ये समझ आ गया. अब आगे आता है, द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स होल्ड ट्रू फॉर रिसर्च एनालिसिस एंड डिजाइन. देखो रिसर्च एनालिसिस एंड डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का. उसके रिगार्डिंग कुछ कंस्ट्रक्ट्स दिए थे उन्होंने आपको पेपर में, वो ये कह रहे थे बताओ इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्ट सही है कौन सा कंस्ट्रक्ट गलत है. सो सबसे पहले तो देखो जो रिसर्च डिजाइन है ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है हर एक स्टेज के लिए जो आप कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डाटा के लिए यूज कर रहे हो. ठीक है, यानी रिसर्च डिजाइन आपको पूरी डिटेल में बताता है आपने क्या क्या चीजें करके डाटा को कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना है. ठीक है, सो रिसर्च डिजाइन एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है स्टडी को कंडक्ट करने के लिए. इसमें डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, मतलब देखो डिजाइन मतलब ए टू जेड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हर चीज रिसर्च की कवर करता है.
आगे सेकंड कंस्ट्रक्ट क्या था, एक्सपेरिमेंट्स एज अ सोर्स ऑफ डाटा नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव स्टडी। वो क्या कह रहे थे, वो कहते हैं बताओ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं अगर हम उनको एज अ सोर्स ऑफ डाटा यूज करते हैं वो क्वालिटेटिव स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। देखो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका मेन फोकस किस पे है कि आपने सब्जेक्ट, आपके जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या नजरिए हैं या आपने उनको एक्सप्लोर करना है, उनको समझना है। और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो जनरली ज़्यादा सूटेबल क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए होते हैं, ना कि क्वालिटेटिव के लिए। सो अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप वेरिएबल्स को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हो, बट क्वालिटेटिव में ये चीज़ें नहीं हो सकती। सो एक्सपेरिमेंट्स अगर एज अ सोर्स ऑफ डाटा बनाऊँ तो वो अप्रोप्रिएट क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए नहीं है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए है। नेक्स्ट वो कहता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ये एक क्वालिटेटिव अप्रोच है रिसर्च की। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी कि जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, देखो जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स होते हैं ना ये टिपिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इनका क्वालिटेटिव अप्रोचेस के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आगे आता है प्लेगरिज्म इज फेलियर ऑफ रिसर्चर टू एक्नॉलेज एंड द बोरोड मटीरियल इन हिज और हिज पब्लिकेशन। देखो ये तो नाम ही बताता है ये गलत है। जो बेसिकली प्लेगरिज्म होता है ना ये ऐसा एक्ट है, यानी इसमें रिसर्चर क्या करता है, आप किसी दूसरे के काम को, आइडियाज़ को या वर्ड्स को अपने खुद के काम में उसको रिप्रेजेंट करते हो, बट आपको वहाँ पे प्रॉपर एट्रीब्यूशन और साइटेशन देनी पड़ती है, विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन और साइटेशन ये चीज़ करते हो। यानी मैं दूसरे बंदे के, यानी आप समझ लो जब रिसर्चर किसी दूसरे बंदे के वर्ड्स को, काम को, या मतलब कुछ भी लगा लो, अगर उसने कुछ भी रिसर्च किया उसको अपने वर्ड्स में थोड़ा चेंज करके प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये काम हमने किया, बट साथ के साथ उन्होंने उनको कोई साइटेशन एट्रीब्यूशन भी नहीं दी, यानी ये प्लेगरिज्म होगा। आगे आता है कंटेंट एनालिसिस मेथड कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च टू एड डाटा कलेक्शन। क्या कहते हैं जो कंटेंट एनालिसिस है वो क्या कॉमनली यूज्ड मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च में जो आपको सपोर्ट करता है डाटा कलेक्शन को। देखो जो कंटेंट एनालिसिस है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करने की, जैसे आपने टेक्स्ट एनालाइज करना, इमेजेस करना, ऑडियो करना। अब ये चीज़ कैसे एनालाइज करते हो, बाई आइडेंटिफाइंग थीम्स, उनके पता लगाओ कि थीम क्या है उनका, उनके पैटर्न्स क्या हैं, उनके मीनिंग्स क्या है, ठीक है। सो ये थे कुछ कंस्ट्रक्ट्स इनकी मैंने डिटेल आपको बता दी। अब आगे आती हैं टाइप्स क्या हैं रिसर्च की। देखो मेनली दो सबसे मेजर जो सबसे ज़्यादा पेपर में टाइप्स पूछी जाती वो दो ही हैं, बेसिक रिसर्च जिसे प्योर रिसर्च के यानी फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा आता है अप्लाइड रिसर्च। देखो जो बेसिक रिसर्च है ना बेसिकली जो इसका ड्राइविंग फोर्स है वो है क्यूरियोसिटी, यानी जब आपके अंदर इच्छा बनती है ना, आपने अपनी फंडामेंटल नॉलेज एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपेंड करनी है तब बेसिक रिसर्च किया जाता है। मेन इसका मुद्दा यही है, मेन इसका लक्ष्य यही है, आपने अपनी समझ को बढ़ाना है, नई नई थ्योरीज डेवलप करनी है विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन इन माइंड, ठीक है। सो बेसिक रिसर्च में बहुत फाउंडेशंस बनाई जाती हैं अप्लाइड रिसर्च के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अप्लाइड रिसर्च। देखो अप्लाइड रिसर्च का फोकस, उसका लक्ष्य है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी अब आपने जो रिसर्च किए हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, यूज करो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को, ताकि जो आप अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड कर सको और सॉल्यूशन डेवलप किए जा सके। सो एम क्या है कि जो आपका गैप है थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में उसको खत्म करो, यानी अगर आपने थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ लिया आप उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके गैप खत्म करो, तब आपको बहुत नई चीज़ें पता चलेंगी जो आपके रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टली रिलेटेड होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आज का सेशन हो गया हमारा कंप्लीट, हमने